हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं एक ईस्टर्न रसम की वीडियो लेके आई हूँ, एकदम सिंपल है। और अभी सर्दी खांसी चल रहा है तो एकदम ये रसम ट्राई करके देखना, एकदम झटपट अच्छा हो जाएगा आपको। तो ये वीडियो फुल देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने ईस्टर्न रसम पाउडर ले लिया है और फिर मैंने इमली ले लिया है, उसे थोड़ा पानी में भिगो के रख लिया था मैंने। और हरा धनिया ले लिया है, एक टमाटर बारीक चॉप करके उसे भी ले लिया है। और फिर हमें राई और सूखी लाल मिर्ची चाहिए। और मैंने 250 ml के कप से मैंने 2 कप मैंने पानी ले लिया है। तो आपके पास कोई भी कप हो उसी के हिसाब से आप पानी लीजिएगा। तो मैंने 250 ml के कप से लिया है, मैंने 2 कप पानी ले लिया है। और इसके बाद में हमें 2 टेबल स्पून जो ईस्टर्न रसम पाउडर आता है वो उसे हमें ऐड कर लेना है। मैंने ब्राह्मिन्स का रसम पाउडर ले लिया है, एकदम अच्छा आता है, बढ़िया आता है, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो इसे 2 टेबल स्पून मैंने इस पानी में ऐड कर लिया है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हमने जो इमली लेके रखा था उसे भी उसमें से उसका भी हमें पल्प निकाल लेना है। और फिर उसके बाद में हम इस पानी को इसमें ऐड कर लेंगे। फिर अगर आपको लास्ट में आप देखिएगा, अगर खट्टा आपको थोड़ा कम लग रहा है इमली और थोड़ा ज़्यादा चाहिए आपको, तो आप फिर ऐड कर लीजिएगा फिर से आप। तो इसे सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम एक कढ़ाई रख लेते हैं गैस पे। कढ़ाई में हम तेल डाल लेंगे, तेल अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद में हमें इसमें राई ऐड कर लेना है, राई चटक जाए। उसके बाद में हमें इसके अंदर सूखी लाल मिर्ची भी ऐड कर लेंगे। तो राई मैंने डाल दिया है, 1/2 टीस्पून जितना मैंने डाल दिया है, राई अच्छे से चटक जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो पूरा फुल देखने की कोशिश कीजिए। और आपको कोई भी कमेंट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे ज़रूर पूछना, मैं आपके लिए आपका रिप्लाई उसका ज़रूर दूंगी। तो मैंने सूखी लाल मिर्ची ऐड कर ली है और एक टमाटर जो हमने बारीक चॉप करके रखा था उसे भी ऐड कर लिया है। और मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लिया है। लास्ट में आपको अगर चाहिए तो फिर भी ऐड कर सकते हैं, अभी आप थोड़ा ही ऐड कीजिएगा। तो जब तक हमारा टमाटर अच्छे से गल ना जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। पहले भी मैंने एक रसम का जो घर पे हम मसाला बना के कैसे बनाते हैं वो मैंने डाला अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप ज़रूर वहाँ से देख के ट्राई करके देखना। तो मैं जो हमने मिक्स करके रखा था ना रसम पाउडर और इमली का पल्प जो मिक्स है, तो उसे मैंने इसमें ऐड कर लिया है। टमाटर अच्छे से गल जाए उसके बाद में, अभी एक बॉयल आ जाए तब तक हम वेट कर लेंगे। अभी मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो मैंने फिर से ऐड कर लिया है। अब एक बॉयल आने तक हम वेट कर लेंगे और उसके अंदर हमें बारीक चॉप, एक बॉयल आ जाए उसके बाद में हमने जो धनिया ऐड रखा था चॉप करके उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर लेंगे। गर्मा गर्म ये रसम को आप ट्राई कीजिएगा, ठंडी में सर्दी खांसी यूं ही झटपट भाग जाएगा। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम में अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो हाँ, Nimisha0204 के ID से है, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर अच्छे अच्छे रील्स आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, उसकी रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।